भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के हित में कृषि संशोधन बिल पारित किया गया, लेकिन इसको लेकर किसान खासा नाराज है और इस बिल को वापस लेने का सरकार पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में पंजाब से कृषि कानून के विरोध में उठी चिंगारी अमेठी में पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अमेठी में विधानसभा अध्यक्ष शंभू यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ट्रैक्टर व पैदल सरकार विरोधी नारे लगाकर विरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष शंभूनाथ यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी का आदेश है, हम समाजवादी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके हर रैक में खड़े हैं। किसानों के तमाम समस्याओं को गिनाते हुए कहा कि उनको कुछ किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, चाहे वह गाय बछड़े खेतों को खराब कर रहे हैं और किसानों को समय समय से खाद नहीं मिल पा रहा है और किसानों के अनाज को उचित मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा है। वहीं महासचिव समाजवादी पार्टी के गुंजन सिंह ने कहा कि इस समय देश में हमारे किसान अपने ही हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरे हैं। ऐसे में हम नौजवान साथी भी उनके लड़ाई में सदैव शामिल रहेंगे और मांग ना पूरी होने तक हम किसान के साथ खड़े हैं। भैया सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पार्टी जिंदाबाद, नाम है आपका और किस पद पर हैं? समाजवादी पार्टी के गुंजन सिंह जिला महिला आज यहाँ पे किस प्रकार का यहाँ प्रदर्शन किया गया आप लोगों के द्वारा? आज से पूरे देश में किसानों का ये आंदोलन चला, जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जो है कंधे से कंधे मिलाकर किसानों के हित में खड़ी है और जब तक ये पूरा किसानों की समस्या नहीं खत्म होगी तब तक हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसे ही उनके हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे। आज भाजपा सरकार के द्वारा जो कृषि नीति लाई गई है इसको विरोध में और किसानों द्वारा देखिए जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज हम समाजवादी साथी पूरे प्रदेश में जो है किसान यात्रा निकाल करके एक संदेश देना चाहते हैं स्थानीय सरकार को, किसानों द्वारा जो नीति लाई गई है इसको वापस किया जाए। धन्यवाद। जय समाजवादी। क्या नाम है आपका और किस पद पर है? जी मैं अभिषेक मौर्य सोनू, युवा समाजवादी नेता, अमेठी। आज किस प्रकार का ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आपके द्वारा? आज ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार किसानों पर हो रहे अत्याचार, हमारे किसान जो इतने दिनों से जो सरकार ने बिल पारित किया उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में हम हमारी पार्टी और हमारे सारे साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं इन सभी साथियों के साथ किसानों के साथ खड़े हैं। जो धरना वो इतने दिनों से दे रहे हैं जिसके लिए सरकार इतना तानाशाही दिखा रही है, उनके दिल्ली जाने से उन्हें रोका जा रहा है, गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं, सरकार उनसे अभी तक बात नहीं कर रही थी लेकिन अब बात कर रही है, लेकिन उस बिल पर अभी पूरी तरह से उन्होंने अपनी साफ प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है, तो हम किसानों के साथ उसी आंदोलन में उनका साथ देने के लिए खड़े हैं। ऐसे में अगर आप लोगों की जो यहाँ पे मांगे हैं किसानों के साथ में अगर नहीं किया जाता तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? तो हम हमेशा किसानों के साथ खड़े रहेंगे, ये लड़ाई आज ही नहीं खत्म होगी, ये लड़ाई आगे भी चलती रहेगी। किया गया हम लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर हम समाजवादी पार्टी के लोग किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों की जो समस्या है चाहे वो गाय बछड़ा हो, चाहे खाद की हो, चाहे धान की, देख लीजिए कहीं कोई क्रय केंद्र चल रहा है, किसान परेशान है, उन किसानों की समस्या लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आह्वान किया है हम समाजवादी पार्टी उसी को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।